हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं करवाने जा रही हूँ आपको सिक्स क्लास की जो इंग्लिश की बुक है ओपन स्काइज का जो फर्स्ट चैप्टर में जो यूजिंग ग्रामर है उसका पोर्शन। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन आर शॉर्ट वर्ड्स दैट यूजुअली स्टैंड बिफोर नाउंस, जो नाउन से पहले यूज होती है शॉर्ट फॉर्म में होता है, एंड प्रीपोजिशन लिंक्स नाउंस प्रोनाउंस एंड फ्रेज टू अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। तो जो भी सेंटेंस में हमारे पास नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या जो फ्रेजेज होती है उसको आपस में जॉइंट करता है या फिर उनका लिंक बनता है, तो वो हमारा प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, जो आपका फॉर एग्जांपल हम देखे यहाँ पे शॉर्ट रूप में, तो जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, तो द बुक क्या है, नाउन हो गई है हमारी द बुक। ओके, और तो ये हमारे जो फ्रेज जो द टेबल है यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसा कि द बुक इज लीनिंग अगेंस्ट द टेबल एंड द बुक इज बिसाइड द टेबल, सी हेल्ड द बुक ओवर द टेबल, सी रीड द बुक ड्यूरिंग क्लास। तो ये आपस में इनको नाउन प्रोनाउन या फिर जो फ्रेज होती है इनको आपस में लिंक करने का काम में प्रीपोजिशन करती है। तो जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, इसमें ये जो हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे ये है ड्यूरिंग एक्सेप्ट फॉर फ्रॉम इन इनसाइड इनटू लाइक नियर ऑफ ऑफ ऑन और बाकी जितने भी दे रखे हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ से लेकर अबाउट से अक्रॉस आफ्टर यहाँ से लेके और यहाँ तक आप देख रहे हैं विद तक एंड जो ये देख रहे हैं ये सब क्या है, ये प्रीपोजिशन है। ओके, तो अब ये तो आप देख लेंगे कि जो आपको ये क्लियर करने के लिए दे रखा है। अब हम इसकी डायरेक्टली एक्सरसाइज में आ जाती हैं। ये आप वीडियो को पॉज करके देख लेना या फिर आपके लोगों के पास बुक होगी उसमें देख लेना, आपको इजली से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके okay? अब हम डायरेक्टली इसमें देखो एक क्वेश्चन दे रखा है कि इंसर्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन इनटू द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द पिक्चर। तो हमें पिक्चर को देखकर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रीपोजिशन फील करने और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो जैसा कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल देख पा रहे हैं, जैसे इन द पिक्चर आई कैन सी ए वुमन, तो इन द पिक्चर में वो देख रही है ना, तो हमें अकॉर्डिंग टू पिक्चर हमें वो प्रीपोजिशन फील करनी है। तो इन द पिक्चर में वो आई कैन सी ए वुमेन कि वो क्या देख पा रही है, क्या देख सकती है, वुमेन को देख सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें प्रीपोजिशन हो जाएगा इन। सेकंड में हो जाएगा द वुमेन इज सिटिंग और नियर ए टेबल, टेबल के पास बैठी है। ओके, एंड शी इज सिटिंग ऑन ए चेयर, चेयर के ऊपर बैठी है, ये भी राइट है। एंड देयर आर फाइल्स ऑन द टेबल, ऑन यहाँ पे दो बार राइट हो चुका है, वैसे इसमें ऑन प्रीपोजिशन फिलअप होगा बट इसमें टू बार दे रखे इसलिए इसको मैंने क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ आप कौन सा प्रीपोजिशन फिल कर लेंगे ऑन। फिर ये नंबर हमारा हर फिट आर अंडर द टेबल। ओके, एंड एफ पे हमारा द वुमेन इज होल्डिंग ए ग्लास, होल्डिंग इन हर हैंड्स, हाथों में पकड़ रखा है। एंड फिर हमारा जी नंबर में हो जाएगा ऑन द टेबल देयर सी लैपटॉप ए बुक से फाइल ए बैग एंड ब्रगर। तो जो लैपटॉप है, बुक है, फाइल है, बैग है, ब्रगर, वो किसके ऊपर रखे हैं, टेबल्स के ऊपर रखे हैं। एंड द वुमेन इज लुकिंग एट हर लैपटॉप, और लैपटॉप के ऊपर वो देख रही है। द वुमेन्स बैग इज लाइंग बिहाइंड द लैपटॉप, और वो कहाँ पे रखा है, किसके पीछे रखा हुआ, उसका बैग लैपटॉप के पीछे रखा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू पिक्चर हमने प्रीपोजिशन फील कर ली है। और आई थिंक इसमें और है, कंप्लीट कर लेते हैं उसको। बिल्कुल, यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिया हुआ है कि फिल इन द गैप्स बाय चूजिंग करेक्ट टू प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में हमारे पास प्रीपोजिशन दिए हुए हैं और अकॉर्डिंग टू ब्रैकेट्स हमें यहाँ पर फिलअप करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हो जाएगा वी लिव इन दिल्ली, तो जहाँ पर भी जैसे बड़े शहर या सिटी का नाम आता है तो उसमें हमें इन प्रीपोजिशन फील करना होता है। फिर जब उससे छोटे पैलेस का नाम आता तब हम एट फील करते हैं। ओके, जैसे आई लिव इन राजस्थान, तो जैसे हम राजस्थान में रहते हैं तो आई लिव इन राजस्थान, और राजस्थान में हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो आई लिव एट झुंझुनू, इस तरह से होता है। जैसे अगर बड़े स्तर पे पूछा जा रहा है तो इन हम राइट करेंगे और छोटे स्तर पे पूछा जा रहा है तो एट राइट करते हैं। फिर हमारा वुड यू लाइक टू गो टू द सिनेमा टू नाइट। ओके,
तो ये गो के साथ हमेशा हम टू राइट करते हैं जहाँ पर भी हम जाते हैं। एंड सी नंबर हमारा नो थैंक्स, आई वॉज एट द सिनेमा यस्टरडे। एंड डी नंबर हो जाएगा वी आर गोइंग ऑन ए होलीडे नेक्स्ट वीक। तो जहाँ पर भी हमारा जैसे वीक है या फिर मंथ्स नेम है, ये जब होते हैं वहाँ पर ऑन उनसे उस समय से पहले ऑन फील प्रीपोजिशन फील किया जाता है। एंड देयर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर। तो जैसे ब्रिज होती है वो रिवर को क्या करती है, क्रॉस करती है, उसको एक छोर से दूसरे छोर को पार करने में मदद करती है। तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, क्रॉस यूज होता है। एंड नेक्स्ट है द फ्लाइट फ्रॉम बेंगलोर टू कोलकाता वॉज, इसमें आ जाएगा वाया। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं ना, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो वो वहाँ पे उसके लिए यूज हुआ है वाया। फिर जी नंबर पे है हमारा हो जाएगा ऑन माय वॉल, की वॉल के ऊपर देयर आर मैनी पिक्चर्स एंड पोस्ट कार्ड। वॉल के ऊपर क्या है, बहुत सारे पिक्चर्स और पोस्ट कार्ड हैं। फिर नेक्स्ट हमारा हु इज द पर्सन इन दिस पिक्चर, किस पिक्चर में कौन आदमी है, उस पिक्चर के अंदर जो है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो अंदर के लिए हमेशा क्या यूज होता है, इन। एंड कम इन टू द सिटिंग रूम, वी वॉन्ट टू वॉच टीवी। ओके, तो जैसे बाहर से हम अंदर जा रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं उसके लिए इन टू, अगर ऑलरेडी इन है उसके अंदर, अंदर से ही है पहले से उसके अंदर है, तो उसके लिए इन प्रीपोजिशन यूज होता है। बट अगर हम बाहर से अंदर जा रहे हैं तो उसके लिए इन टू यूज होता है। वन इट लाइन से 530 meters एंड अबाव सी लेवल। ओके, तो ये एक जैसे एक स्थान होता है उसके ऊपर के लेवल के हम जो बात करते हैं उसके लिए अबाव यूज होता है। ओके, जैसे फैन चलता है, हमारे ऊपर फैन चलता है ना, वो है तो स्थिर बट वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उस अपने स्थान विशेष में मूव कर रहा है, तो उसके लिए अबाव यूज होता है। ओके, आज के हमारा जो यूजिंग ग्रामर का जो प्रीपोजिशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से देख सकते हैं। और फिर भी अगर कुछ आपको क्वेश्चन पुटअप करना है, सजेशन देना है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बड़ा वाला बिग थम्सअप जरूर देना है। ओके, और जो मेरे क्लास के बच्चे हैं ना, उनको ये चैनल बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके आने वाले समय में जो भी मैं वीडियो डालूँ चैनल अपने चैनल पे, वो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।